शाहपुर थाने की पुलिस ने 3 वर्ष के बच्चे का अपहरण करने वाले 2 अभियुक्त व 1 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान बैतुल्ला अंसारी पुत्र किताब अंसारी निवासी सेमरी भवानी नवलपुर पश्चिमी चंपारण बिहार, दूसरा नरेंद्र प्रसाद पुत्र रामवृक्ष शाह निवासी सौरेजी सोरेन थाना मीरगंज जिला गोपालगंज बिहार, तीसरा रविता वर्मा पत्नी रमेश वर्मा निवासी नंदानगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि वादनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि पिछले 1 माह से नंदानगर थाना शाहपुर गोरखपुर में अपने 3 बच्चों के साथ रह रहे थे। दिनांक 23 जून की रात को अपने 3 बच्चों के साथ सो रहे थे और अत्यधिक गर्मी के कारण कमरे का दरवाजा खुला था। दिनांक 24 जून की सुबह लगभग 4:30 बजे जब नींद खुली तो वादनी मुकदमा का सबसे छोटा बेटा अरबाज कमरे से लापता था। वादनी मुकदमा द्वारा हर जगह ढूंढने की कोशिश की गई परंतु कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। थाना स्थानीय पुलिस द्वारा त्रिनेत्र अभियान के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल से पता चला कि एक आदमी आवेदिका के बच्चे को चुरा कर ले जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से बच्चे की चोरी करने वाले अभियुक्त गढ़ की पहचान कर चोरी किए गए बच्चे को सकुशल बरामद किया गया और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 15,000 का इनाम दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में झरना टोला चौकी प्रभारी प्रभात सिंह, महिला कांस्टेबल रागनी यादव, कांस्टेबल प्रदीप कुमार यादव, मुकेश प्रजापति, अखिलेश कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना शाहपुर में 23/24 की रात को एक 3 वर्षीय बालक जिसका नाम अरबाज है, जो अपनी मदर उकताना के साथ वहीं पर रहता था, 23/24 की रात को ये बच्चा वहाँ से मिसिंग हो जाता है। इसकी मदर द्वारा, रुखसाना द्वारा आस पड़ोस और कई जगह पर बच्चे को ढूंढा जाता है। जब 2-3 दिन बाद ढूंढने के बाद उसको सफलता नहीं मिलती है तो उसके द्वारा थाना शाहपुर पर इसकी सूचना दी गई। तत्काल उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस घटना के अनावरण के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण के साथ साथ वहां के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया। उस क्षेत्र में कौन से ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी उसके बारे में जांच करी गई, तो ये संज्ञान में आया कि एक बैतुल अंसारी नाम का व्यक्ति है जो पिछले 4-5 दिन से उस एरिया में लगातार घूम रहा था। जो वादिनी है उसकी और उसके बच्चों की दिनचर्या के बारे में जानकारी कर रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। इस चीज़ को जब सीसीटीवी कैमरा से माध्यम से वेरीफाई किया गया तो ये बात क्लियर हुई कि रात के समय पर बैतुल अंसारी नाम का एक व्यक्ति जो कि उसी क्षेत्र में रहता था और टेलर का काम करता है, उसके द्वारा इस बच्चे को वहाँ से चुराया गया है और फिर लेटर ऑन उसके द्वारा इस बच्चे को एक रविता वर्मा नाम की महिला, उसको हैंडओवर किया गया। इस पूरी घटना में जब जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो घटना का पूरा इसमें अनावरण हुआ है। जो 3 साल का बच्चा है अरबाज, उसको रिकवर किया गया है, वो सकुशल है, उसको उसकी मदर को हैंडओवर कर दिया गया है। इस घटना के पीछे की कहानी निकल के आई है कि रविता वर्मा जो है इसके पहले से 3 पुत्रियाँ हैं और इसको लड़के की प्राप्ति की चाहत थी जो कि किसी कारण से नहीं हो पा रहा था। ये जो बैतुल अंसारी नाम का व्यक्ति है ये 4 महीने से इसी के यहाँ पर टेलर का काम कर रहा था। इसके द्वारा यह योजना इसके साथ शेयर की गई, लालच में आकर के बैतुल अंसारी द्वारा ये घटना कारित की गई। इन दोनों के अतिरिक्त इस घटना में जो ये महिला है इसके पिता भी शामिल है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर हैंड ओवर होने के बाद ये जो महिला है सविता वर्मा, इनके पिता नरेंद्र प्रसाद जो कि बिहार में रहते हैं गोपालगंज में, उनके द्वारा ये बच्चा यहाँ से ले जाया गया। इस पूरी घटना का सफल अनावरण बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया है और बहुत ही एक गंभीर घटना इसका अनावरण करते हुए एक बच्चे को उसकी मदर के साथ मिलाया गया है, जिसके लिए मैं इस पूरी टीम को 15,000 रुपये का नगद इनाम घोषित कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आपके माध्यम से जनपद गोरखपुर के सभी वासियों को सूचित भी करता हूं कि यदि ऐसी कोई भी घटना छोटे बच्चों के संबंधित आपके संज्ञान में आती है तो तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दें, सूचना दें
और अगर कोई इस तरह का व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति आपके घर या आपके आवास या इस तरह की चीज़ों की गतिविधियों को पहुंच सकता है, तो उसकी भी सूचना दें ताकि ऐसी घटनाएं आगे चल के कारित ना हो पाएं।